हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी का हिंदी में महत्व है तथा अलग-अलग प्रयासों के द्वारा वैज्ञानिक और तकनीक को विकसित करने के लिए हिंदी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए ताकि वो अपने अंदर वैश्वीकरण और भौगोलिक स्तर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सके और परस्पर संपर्क स्थापित कर सके। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में की क्या विशेषताएं हैं तथा इनकी आवश्यकता क्यों है। वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वैज्ञानिकरण के इस दौर में भौगोलिक दूरियां कम होती जा रही है, जिसके कारण समस्त विश्व एक ग्राम का स्वरूप ले चुका है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी से भी बातचीत कर सकते हैं तथा किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा किसी भी विषय के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व इसमें तकनीक का और विज्ञान का है। वैज्ञानिक संसाधनों को नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं जिनके बारे में हम आए दिन पढ़ते हैं, जैसे कि इंटरनेट का आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार, किस तरह से समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ तथा अब हम 4G से 5G पर शिफ्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ इन वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ नई समस्याएं भी आ रही हैं जिनके विषय में नित्य रोज खबरें आती हैं, जैसे कि डीप वेब जैसी या ऐप के माध्यम से की जाने वाली समस्याएं भी तकनीकी प्रौद्योगिकी का एक समस्या कह सकते हैं, या फिर उसका सही रूप में इस्तेमाल ना किया जाए तो उत्पन्न होने वाली समस्याएं कही जा सकती है। नई माध्यम को विकसित करने के लिए तथा संपर्क स्थापित करने के लिए इस परिदृश्य से विश्व स्तर की ओर एक ऐसी भाषा आवश्यक है जो पूर्ववर्ती हो होते हुए जीवन शैली के साथ साथ जनमन की सभी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मुझे ये कहने में गर्व है कि हिंदी विज्ञान विज्ञान और साहित्य की विभिन्न विधाओं और दैनिक दिन प्रयोग में आने वाली प्रतियुगम शब्दावली के साथ अभूतपूर्व सशक्त और समृद्ध है। हमने देखा कि किस प्रकार 19वीं 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली से मानक हिंदी की तरफ निम्न परिवर्तन किए गए तथा हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा बनाने के लिए उसके अंदर आने वाली सभी समस्याओं को हल किया गया। हमने देखा कि हिंदी को किस प्रकार साहित्य के स्तर पर पूर्ण रूप से निखारा गया और हिंदी में ज्ञानोत्मक साहित्य का निर्माण करना आरंभ किया, जिसके कारण अलग अलग समय पर शब्दकोश बनाए गए जिसके लिए विज्ञान और तकनीकी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा सके। क्योंकि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो वहां प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक सटीक अर्थ होता है जिसे आम भाषा में या रोज के प्रयोग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ फिक्स होते हैं और उस विषय से संबंध रखने वाला व्यक्ति उन शब्दों को अधिक अच्छे से समझ सकता है। पर उन्हीं शब्दों को तथा उन वैज्ञानिक सूचनाओं को हिंदी में प्रयुक्त कराने और हिंदी को इस स्तर तक पहुंचाने में कि वो वैज्ञानिक और तकनीकी में भी विश्व संपर्क स्थापित कर सके, उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए जिसमें हम सफल भी हुए, जिससे हमें पता चलता है कि विज्ञान ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है और समय के साथ साथ सशक्त और समृद्ध हो रही है। जब विश्व पटल पर हिंदी की व्यापकता के कारण भारत की प्राचीन अतः ज्ञान विज्ञान के संपदान के प्रति विद्वानों का आकर्षण बढ़ा है। आज के वैदिक साहित्य ज्ञान विज्ञान गणित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध का विषय बन चुका है। हम देखते हैं कि किस प्रकार विज्ञान और गणित की पुस्तकें भी हिंदी में परिवर्तित की गई है और उनका अध्ययन का माध्यम बनाया गया है ताकि हिंदी में वो सभी गुण मौजूद हैं जिसके हम कह सकते हैं कि हिंदी ज्ञान विज्ञान के स्तर पर पूर्ण रूप से समृद्ध है। हिंदी के आधुनिक युग प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समुन्नत बनाने में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी व्यवस्थित ध्वनिकरण वर्णमाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संभव है क्योंकि बिना लिपि के हम सब अपनी बात को लिखकर प्रस्तुत नहीं कर सकते और लिपि में ध्वनियात्मकता और वर्णमाला का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक से अधिक
वर्णों का प्रयोग किसी एक अर्थ के लिए किया जाएगा तो संभव है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी तथा अर्थों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ऐसी स्थिति देवनागरी लिपि में नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ और उसमें एक अर्थ के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया और जिसने वर्णमाला के मानवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विसंगत कुछ समय में ही हिंदी और देवनागरी दोनों ही मानवीकरण के परिमार्जन के दौरान गुजरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास और प्रगति को देखते हुए हिंदी भाषा देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानवीकरण को शोधित और परिवर्धित करते रहने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। हाँ, यह निरंतर इस वजह से हो सकता है कि नित प्रतिदिन कोई ना कोई खोज होती रहती है और निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए जिन परिवर्तन की आवश्यकता है उनको अपनाना अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि कंप्यूटर के उपलब्ध विविध सॉफ्टवेयर और फॉन्ट के कारण कई बार हिंदी भाषा अपने कार्य में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। जैसे कि पुराने समय में टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कीबोर्ड तथा अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एक लैपटॉप में भी हम हिंदी के की का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि आधुनिक युग में पर्याप्त महत्व बनाते हुए हिंदी अब इन कठिनाइयों से उभरते हुए अपनी निरंतर परिवर्तनता को अपने अंदर समाहित करते हुए निरंतर परिवर्तित होती रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के सहयोग से यूनिकोड तैयार किया गया, जिसके आधार पर हिंदी वर्तनी के मानक स्वरूप को विकसित करने में सहायता मिली। वर्ष 1967 के मानवीकरण का मुख्य आधार प्रयोक्ता और टंकण यंत्र था। महत्वपूर्ण नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानवीकरण को पुनः संशोधित और परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की गई। कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और फॉन्टों के कारण हिंदी भाषा में कार्य करने में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए इन समस्याओं के समाधान के लिए यूनिकोड की तैयारी की गई थी। जब हम वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है यह हिंदी सुस्पष्ट और परिशुद्धता से पूर्ण है, संक्षिप्तता और सुगमता है, वस्तुनिष्ठता है, अलंकारिता का अभाव है और वैज्ञानिक शैली है। सुस्पष्टता मतलब हर एक शब्द का अर्थ स्पष्ट है, पूर्ण रूप से फिक्स है कि यह इस शब्द का अर्थ है। परिशुद्धता है, वह शुद्ध है, इससे हमें यह पता चलता है कि इस शब्द का अर्थ यह है और यही रहेगा। संक्षिप्तता एवं सुबोधता है, संक्षिप्तता मतलब उस शब्द का एक फिक्स अर्थ है और कम शब्दों में उसे समझाया गया है। वस्तुनिष्ठता है, अलंकारिता का अभाव है, अलंकार के कारण कई बार हमें अर्थ में परिवर्तन होता हुआ नजर आता है, जो तकनीकी और वैज्ञानिक भाषा के लिए उचित नहीं है। इसलिए तकनीकी और वैज्ञानिक हिंदी में अलंकारिता का अभाव देखने के लिए मिलता है। वैज्ञानिक शैली है, वैज्ञानिक शैली को हिंदी भाषा के तकनीकी विकास में अपनाया गया है। सुस्पष्टता और परिशुद्धता, वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा स्पष्ट, सुनिश्चित, संक्षिप्त, सुबोध एवं सरल होनी चाहिए। स्पष्ट एवं निश्चयात्मक परस्पर पूरक होते हैं। स्पष्ट मतलब इसका अर्थ यह है और वह एक निश्चित अर्थ है जो कि परिवर्तित नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान विषयों में बहुत से सभी शब्दों का अर्थ फिक्स होता है और उन अर्थों का अर्थ वही रहता है, उनको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। वह स्पष्ट है, सरल है और निश्चित है। इसी तरीके से प्रयोजन मूलक हिंदी के इस क्षेत्र की शब्दावली में अंग्रेजी शब्दावली का भी विशेष प्रभाव है। शब्दों के निर्धारण, नियम, लिपियांतरण प्रक्रिया में यह ध्यान दिया गया है कि स्पष्टता और परिशुद्धता की रक्षा हो। भाषिक संरचना की दृष्टि से भी इसके प्रति ध्यान दिया गया है। तकनीकी शब्दावली में परंपरागत और नवीनगत शब्दों को कहीं कहीं समस्या उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। संक्षिप्तता और सुबोधता, संक्षिप्तता का तात्पर्य थोड़े शब्दों में अभीष्ट विचारों की अभिव्यक्ति करना है।
तरह तरह की क्रिया प्रक्रिया अवधारणाओं से संबंधित परिभाषा शब्दों के निर्माण निर्धार और अनुवादन के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस क्षेत्र की भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन संबंधों से में सिद्धांत बनाए हैं। सुबोधता का तात्पर्य वाकजाल और निष्प्रयोजनता से है। इसका अर्थ है कि अत्यधिक शब्दों का इस्तेमाल या शब्दों के अंदर ज्यादा बात को घुमाया ना गया हो, जिसका जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया हो, यह हमें देखने के लिए सुबोधता में मिलता है। वस्तुनिष्ठता, विज्ञान की भाषा अनुसंधानी समस्याओं और परिणामों के प्रति वैज्ञानिक वस्तु पर चिंतन शैली का प्रतिपादन है। हम देखते हैं कि विज्ञान में होने वाले खोजों के लिए एक वस्तुनिष्ठता का होना अनिवार्य है। वैज्ञानिक भाषा औपचारिकता और निर्वाचकता होती है। इन क्षेत्र में लेखन में सामान्य कार्यवंश का अधिकार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह लेखक के निर्वाच्य रूप को निर्व्यक्त रूप स्वरूप देती है। अलंकारिता का अभाव, जीएच बुचार की मान्यता है कि विज्ञान की भाषा रूपक अलंकार से जितनी दूर होगी वैज्ञानिक तथ्यों के निरूपण में उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि भाषा के अलंकार प्रयोग से अर्थ परिवर्तन होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि तकनीकी हिंदी में हमें अलंकारिता का अभाव देखने के लिए मिलता है। वैज्ञानिक शैली, वैज्ञानिक शैली वस्तुनिष्ठ होती है। इस विषय का प्रतिपादन महत्वपूर्ण है, उसका भाषाई सौंदर्य नहीं होता। आकर्षकता एवं निराशकता इस शैली में अनिवार्य आ जाती है। अन्य विशेषता, तथ्य परकता एवं मूर्तता, अर्थ की स्थिरीकरण, तार्किकता, तकनीकी प्रधानता। वैज्ञानिक हिंदी के मुख्य स्रोत शब्द स्रोत प्रमुखता संस्कृत और अंतरराष्ट्रीय शब्दावली से लिए गए हैं। इसमें कुछ संकर शब्द भी है। संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिलन से उत्पन्न होते हो, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश के शब्दों को मिलाकर कोई एक बना शब्द बनाया जाए, उसे संकर शब्द कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक साहित्य का क्या लाभ है या वैज्ञानिक साहित्य क्यों होना चाहिए। वैज्ञानिक साहित्य का लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है, क्योंकि आज नित्य रोज के नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो देश के सामान्य कारीगर तक विज्ञान पहुंचाने के लिए विज्ञान आम बोलचाली की भाषा में होनी अनिवार्य है। इसीलिए वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण के पीछे परिश्रम होता है। अपनी भाषा के ज्ञान को समेटना समय के बराबर भाषिक समस्या भी रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी में विज्ञान साहित्य ज्ञान मूलक साहित्य उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, तथा ज्ञान मूलक साहित्य के लिए शब्दों का चयन करना, किस विषय पर बनाना है और इस तरह के अधिक साहित्य उपलब्ध ना होने के कारण कठिनाई आई। पर उस समय की महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने अंदर समेटना और उस सभी की अभिव्यक्ति करने के लिए विज्ञान साहित्य का होना अनिवार्य है। दूसरा, मूल भाषा के प्रति निष्कर्षता को किस प्रकार परिभाषित करें और क्या कारण हो सकते हैं। व्याख्या या संबोधन के लिए उचित शब्द या वाक्य प्रयोग में लेखक को काफी भाषा जटिलता महसूस होती है, क्योंकि विज्ञान साहित्य के लेखक को विषय में समुच्चय ज्ञान के पश्चात पारिभाषिक शब्दों का प्रयुक्त करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ऐसी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य बना रहे हैं जिसका जो आम जनमानस को समझ में आ सके और उसके अर्थ में अत्यधिक परिवर्तन ना आए, तो उसके लिए यह एक जटिल कार्य है कि किस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाए तथा भाषा की जटिलता कितनी हो कि वह आम जनमानस उसे आसानी से समझ सके। विज्ञान साहित्य से पहले विज्ञान साहित्य लेखक विज्ञान साहित्य के अनुवादन में इन बातों का ध्यान रखते हैं कि किसके लिए लिखा जा रहा है, लिखने का उद्देश्य क्या है तथा किस विषय पर लिखा जाना चाहिए। अगर अर्थशास्त्र के ऊपर कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसका पीछे पहले यह जाना जाएगा यह किसके लिए लिखा जा रहा है, लिखने का उद्देश्य क्या है या किस विषय पर किस क्या विषय लिया जाना चाहिए। सन 1900 से पहले वैज्ञानिक साहित्य बहुत कम उपलब्ध था। गुरुकुल कांगड़ी द्वारा वैज्ञानिक शिक्षा के हिंदी माध्यम में कराने की दिशा में पहले कराई गई थी। गुरुकुल कांगड़ी, हमने चर्चा की थी कि आर्य समाज द्वारा गुरुकुल कांगड़ी जैसे विद्यालयों की संरचना की गई थी।
1913 में प्रयोग में विज्ञान परिषद की स्थापना की गई। प्रयाग में विज्ञान को शिक्षा के माध्यम बनाने के लिए प्रयाग पर्यायिक शब्दों की कमी थी, इसीलिए पारिभाषिक शब्द ना होते हुए भी पारिभाषिक शब्द अस्पष्ट होना या पारिभाषिक शब्दों में अनेकरूपता आदि जैसे कारण वैज्ञानिक साहित्य के लिए अवरोध निर्माण हुए। इसीलिए नागरी प्रचारणी सभा ने काशी ने वैज्ञानिक कोश का निर्माण किया। हमने चर्चा की थी किस प्रकार नागरी प्रचारणी सभा ने उस समय से पूर्व मौजूद सभी साहित्य को एकत्रित करवाया तथा वैज्ञानिक साहित्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को अलग किया, और जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं है या फिर आम जनमानस की भाषा में प्रयुक्त होने वाले हैं उन शब्दों के प्रयोग के लिए विज्ञान लेखन में प्रयोग किया गया तथा एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसमें वह सभी शब्दों को वर्णित किया गया था जो विज्ञान साहित्य के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए। अतः 14 मार्च 1913 को विज्ञान परिषद प्रयाग की स्थापना हुई। परिषद का उद्देश्य में भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य की रचना करना, प्रकाशन, देश के वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रचार करना आदि सम्मिलित था। यह समिति हिंदी की समिति द्वारा 1915 में वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। श्रीधर पाठक, लाला सीताराम, रामदास गोंड आदि ने इसमें लिखा। रामदास गोंड ने वैज्ञानिक साहित्य सृजन का जिम्मा अपने ऊपर उठाया। इन्होंने राम इसलिए रामदास गोंड को वैज्ञानिक साहित्य में लाने का श्रेय दिया जाता है कि रामदास गोंड ही थे जो वैज्ञानिक साहित्य को हिंदी में लेकर आए। इस परिषद के प्रयास तथा विविध गतिविधियों के कारण ही सरकार ने 10वीं कक्षा तक विज्ञान शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा रखा है। पाठ्य पुस्तक लेने लेखक के लिए पारिभाषिक शब्दों का उपयोग शुरू हुआ, और हिंदी में अनेक प्रकार की वैज्ञानिक साहित्य अपतियां हुई। वैज्ञानिक परिषद द्वारा 1850 तक लगभग 16 परिषदें संपन्न हुई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के लेखन के लिए आवश्यकता को देश में आजादी के बाद भी महसूस किया, इसीलिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए 1952 में ही शुरू हो गई थी। इसके बाद इसकी अधिक आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को स्थापित शब्दावली आयोग ने लाखों शब्दों को अंग्रेजी से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में परिभाषित किया। परिभाषा शब्द निर्माण में अनेक वैज्ञानिक, विषय वैज्ञानिक आदि का सहयोग लिया गया। इससे पता चलता है कि किस प्रकार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के शब्दकोश के निर्माण के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में परिवर्तित किया गया तथा एक शब्दकोश तैयार किया गया जिससे कि वैज्ञानिक साहित्य लिखने वालों के लिए शब्दों या फिर किस प्रकार की वर्तनी का प्रयोग किया जाए इसमें कोई तकलीफें शामिल ना हो और वो आसानी से उन सब में साहित्य या पुस्तकें लिख सके। विज्ञान गरिमा सिंधु भी एक त्रिमासिक पत्रिका थी जिसका आधार वैज्ञानिक, अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित लेख प्रकाशित करना था। इस समय पता चलता है कि भारत सरकार ने अलग अलग आयोगों की स्थापना की तथा उसके साथ साथ पत्र पत्रिकाएं निकाले जिसके माध्यम से उन्होंने अलग अलग विषय पर या अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पत्र निकालने आरंभ किए जिससे वह जागरूकता फैला सके। और इन पत्रिकाओं का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए वैज्ञान विषय से संबंधित उपयोगी तथा नवीनतम मूल पाठ प्रदान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना था। हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान विषय से संबंधित सभी वस्तुओं को उन तक पहुंचाना भारत सरकार का कार्य था। उसके लिए इन्होंने इस प्रकार के पत्रिकाओं और पत्रों का माध्यम बनाया जिससे वह उन सभी जानकार महत्वपूर्ण जानकारियों तक का उन सभी तक पहुंचा सके, उन छात्रों तक पहुंचा सके जिनको इनकी आवश्यकता है, और वैज्ञानिक साहित्य में लोकप्रियता उत्पन्न कर सके ताकि लोगों का रुझान उसकी ओर बढ़े और वह उस विषय को जानने के लिए जागरूक हो। यह पत्र मिलते जुलते प्रकार के ही थे जिसमें वैज्ञानिक लेख, शोध लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावली तथा परिभाषा कोश, विज्ञान से संबंधित कविताएं, कहानियां, व्यंग चरित्र व वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक समाचार, पुस्तक समीक्षा आदि प्रकाशित की गई थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिंदी भाषा में लाखों परिभाषिक शब्दों का निर्माण किया, इसलिए हिंदी में भी विज्ञान साहित्य लेखक अब संभव है। हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी लेखन के लिए परिभाषिक शब्दों में कमी का
बहाना करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि आयोग ने ज्ञान के प्रत्येक शाखा के लिए वृत्त परिभाषिक शब्दकोश बनाए हैं। इस समय पर चलता है कि हर विषय के लिए शब्दकोश तैयार किए गए ताकि इससे संबंधित कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। उसमें रासायनिक, मनोवैज्ञानिक, कृषि, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक, आयुर्वेदिक, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जैविक, प्राण विज्ञान, सूक्ष्म कृत्रिम विज्ञान, कोशिका जैविकी, भौतिकी विज्ञान, शैली विज्ञान, संरचनात्मक भूज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, धातुकर्म जैसे ज्ञान विज्ञान की अनेक क्षेत्र की परिभाषिक शब्द बन चुके थे। इसे पता चलता है कि सभी विषयों के बारे में शब्दकोश तैयार हो चुका था ताकि छात्रों को पढ़ने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। साथ साथ जो व्यक्ति साहित्य लिखना चाहता है या उस समय की कोई खोज करना चाहता है उसके सामने कोई भी या किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए, इसलिए वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य लिखना अब आसान हो चुका था। बस भारतीय भाषाओं में लिखने की दृढ़ता जरूरी है। इसके साथ साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि विज्ञान विज्ञान विभिन्न विधाओं में लिखा जाने लगा। वैज्ञानिक कथाओं तो लिखी जा रही थी, पर विज्ञान पर काव्य भी लिखा गया, यहाँ तक कि पहेलियां भी लिखी गई। हम देखते हैं कि पहेलियों की शुरुआत 13वीं 14वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें अलग अलग कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब हम विज्ञान की पहेलियों की बात करते हैं तो उसमें देखने के मिलता है कि आकर्षण की शक्ति महान, मैग्नीशियम जन्म स्थान, कहलाया था लीडिंग स्टॉन्ग, अब बतलाओ मैं हूं कौन, चुंबक, इस तरह की पहेलियां भी विज्ञान में निर्मित होनी आरंभ हो गई थी। पिस्टले ने मुझे बनाया, डेविड ने यह गुण बतलाया, उदासीनता एक गैस है खाद, सूंघ हंसी का हो आहाश, तो बताओ मैं हूं कौन, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरह की पहेलियां जो अब तक हमें साहित्य में देखने के लिए मिलती थी, वह हमें विज्ञान में भी देखने के लिए मिलने लगी। यह इसी कारण संभव हो चुका क्योंकि भाषा वर्धनी, भाषा शब्दों का भी शब्दकोश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, और समय के साथ हो रहे परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों को अपनाने की क्षमता जो हिंदी में विद्यमान थी। जब हम वैज्ञानिक लेख की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं तो वैज्ञानिक लेखों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, वो इस प्रकार है कि वैज्ञानिक लेखों में परिभाषिक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जिनका अर्थ पूर्ण रूप से निश्चित है। वैज्ञानिक लेखों के अनुवाद के लिए सहयोगी अनुवादक अधिक उपयुक्त होते हैं। वैज्ञानिक लेख में शब्दों का भारतीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक लेखों में आरेख, फोटो, तालिका आदि का भी प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनावेश से अवगत कराना वैज्ञानिक लेखों का उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक लेख सामान्यतः जनकी भलाई के लिए होते हैं ताकि उनमें जागरूकता उत्पन्न कर सके। देश की उन्नति में वैज्ञानिक साहित्य सहायक होते हैं। वैज्ञानिक साहित्य की भाषा अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक साहित्य में अनावश्यक विवेचन भी नहीं होना चाहिए। मूल साहित्य की सही और सटीक व्यवस्था वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से ही की जानी चाहिए। वैज्ञानिक लेखन की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। वैज्ञानिक लेखन में विषयों के उदाहरण द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए कि यह किस विषय के बारे में है। साहित्य के लेखन को विषय वस्तु का समुच्चय ज्ञान होना चाहिए तथा साहित्य ऐसा होना चाहिए जो आम जनमानस की समझ में हो और उनके हित के लिए हो। इसी प्रकार विज्ञान साहित्य की महत्व को कोई नकार नहीं सकता, उसी प्रकार इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य लिखा जाए और तब समान ने का विज्ञान कहलाया जाएगा, समान जनियों का विज्ञान कहलाया जाएगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए विज्ञान का स्वीकार करना आवश्यक है। वैज्ञानिक साहित्य लेखन के लिए अब पारिभाषिक शब्दों का भरपूर उपयोग हो रहा है। खड़ी बोली हिंदी में पारिभाषिक शब्द लाने का काम हिंदी में सबसे पहले लल्लू लाल जी ने किया था, जो आगे चलकर विज्ञान परिषद, फिर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा यह काम लगातार होता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह सफल हुआ और हिंदी को वैज्ञानिक साहित्य लिखने के लिए सफल शब्द और पारिभाषिक शब्दों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।